कोई ब्लंडर ना हो, कोई स्कैम ना हो मेरे साथ. ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस. नाउ आई एम डूइंग 10 मिनट्स फेशियल. अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप आप सब ठीक होंगे. यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ. मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन इज नॉट अ लग्जरी और बीइंग अ हाई फाई और समथिंग एल्स लाइक दैट. स्किन केयर रूटीन वही करते हैं जिनको अपने फेस की, अपनी स्किन की परवाह होती है. और जो स्किन केयर नहीं करते, क्लीन स्किन नहीं करते अपनी, फिर वो पार्लर पे जाके अपने फेशियल करवाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स की शिकायत करते हैं. एंड आपको तो पता है कि फेशियल करवा करवा के आपकी स्किन कितनी सैगी और लूज हो जाती है. तो इन सबसे अच्छा है कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें एंड मेंटेन करें. तो गाइस, मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है. मंथ के स्टार्ट में आपको हर चीज़ की सील ओपन करनी होती है और सुबह सुबह तो दिमाग ही काम नहीं करता. और आज तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है डाइट की वजह से. तो खैर चले, अब हम बनाते हैं अपनी कॉफ़ी. लिटरली गाइस, यहाँ पे मुझे अल्लाह ने बचाया. अगर कुछ होता तो मेरा सारा मुँह जल जाना था गर्म दूध से. वो कहते हैं ना, सदका देने से हर मुसीबत हल हो जाती है. ब्रेकफास्ट में डन हो गया, अब प्लेट्स रखते हैं किचन में एंड 10 मिनट्स वॉक करते हैं. ये आज पार्सल मुझे रिसीव हुआ है. इसमें है मेकअप ब्रशेस. वेट के हिसाब से वो डिलीवर कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखूं. 1 kg एंड 1/2 kg एंड 250 ग्राम्स, इस तरह से वो अकॉर्डिंगली प्राइस के सेल कर रहे थे. तो मुझे ऐड आई इंस्टाग्राम पर. मैंने सोचा मैं इसको ओपन करके देखती हूँ, अगर ये अच्छे हैं तो फिर मैं और भी ऑर्डर करूँगी. तो लेट्स ओपन इट. एंड दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक. ओह माय गॉड, आई होप कि कोई ब्लंडर ना हो, कोई स्कैम ना हो मेरे साथ. Oh my god, I wanted this fridge for so long. Oh my god, I wanted this even. ये जो है आप कोई भी मास्क या कोई भी सिलिकॉन या जेली क्रीम या कुछ भी मास्क लगाने में आपको इस तरह से काम आते हैं. I love it. हाईलाइटर ब्रश, ये तो मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन ये इसकी क्वालिटी कोई ज़्यादा खास अच्छी नहीं है. एंड दिस इज़ द कंसीलर ब्रश, ये भी मुझे चाहिए था, ये मेरे पास नहीं था. कबुक की ब्रश फाउंडेशन लगाने में इस्तेमाल होता है. लश ऑन ब्रश, लश ऑन या कॉन्ट्रोरिंग, या फिर आजकल क्या हो रहा है, इससे ना हम हाईलाइटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाईलाइटर बिल्कुल लाइन की तरह आजकल ट्रेंड में नहीं है. किस चीज़ का है मुझे, अगर आपको पता है ये किस चीज़ का ब्रश है तो डू टेल मी आउट. ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस. लुक एट द गोल्ड कलर. आई लव गोल्ड कलर. आई लव दिस ब्रश सो मच. सबसे अच्छा ये ब्रश है. एंड ये ब्लश ब्रश है, बहुत मज़े का लग रहा है मुझे. ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा है. शायद फाउंडेशन ब्रश है, ये कंसीलर ब्रश है, एंड ये स्किन केयर लगाने का ब्रश है, सिलिकॉन ब्रश. ओह माय गॉड, लुक एट दिस ब्रश यार. ये तो अच्छे निकल आ गए. ये देखें द गोल्ड कलर. सबसे अच्छी बात जो है ना, ये गोल्ड कलर है, मुझे बहुत पसंद है. कहीं पे भी आपको जो है कंसीलर लगाना हो, छोटी छोटी जगहें होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, या लिप एरिया पे कंसील करना हो, तो इट्स नाइस. लाइन बना दें या फिर आईलाइनर लगा दें स्मज वाला. दिस इज सो नाइस. अब ये तो कोई ऐसे ही डाल दिया है, जान से डाल दिया. दिस इज अ लिप लाइनर ब्रश. आई लव इट. मतलब व्हाट, आपको एंड में बताऊंगी इनकी प्राइस क्या थी. So this is a concealer brush. Already मेरे पास है. Eyebrow brush जल्दी खराब हो जाते हैं and I love them. ये आपके पास जितने हो ना ये कम है. और ये elf का है. Look at this. Now we have the blending brush. थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है. Blending के लिए है, और फिर जो आप क्रीज में blending करते हैं ये उसके लिए है. Angle brush. Eyeshadow eyeliner का बहुत ज़्यादा trend है, तो I think ये उसके लिए है. Another one, corner पे आप highlighter लगाते हैं, brow bone पे highlighter लगाते हैं, उसके लिए है. That's it. ये मैंने ऑर्डर किए थे 250 ग्राम्स. ऑर्डर करके देखूं है क्या चीज़, क्योंकि बहुत मेरे पास ऐड आ रही थी, तो मैंने ऑर्डर किए एंड इट कॉस्ट मी लाइक 1000 rupees विद डिलीवरी. और 1000 rupees में आपको ये सारे ब्रशेस मिल जाएं, तो आई थिंक इट्स नॉट बैड. चलिए अब इनको हम सेट करते हैं. I have just checked the weather. It's like 22, लेकिन मुझे इतनी सर्दी फील हो रही है. It's like 8 or 9 हो गया है मगर, but trust me, बहुत सर्दी है यार.
अच्छा यहाँ पे ब्रेकफास्ट को 2 घंटे हो चुके हैं और आई वॉज स्टार्विंग सो बैड। गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो स्नैक्स के लिए कोई ना कोई हेल्दी चीज़ अवेलेबल अपने पास रखें, वरना ट्रस्ट में आपको इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि आप सामने कुछ भी पड़ा हो ना आप खा लें, और इस तरह से आप कभी भी वेट लूज नहीं कर सकते। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे मेरा फ्रूट सैलेड बन चुका है। नाउ स्प्रिंकल सम ब्लैक सॉल्ट और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी फेवरेट दाल बन रही है। यू गाइस नो, डिनर का टाइम जैसे ही करीब आता है मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, लाइक मुझे लिटरली वीकनेस फील होती है, तो बस फिर उस टाइम मैं ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ लाइक आलमंड्स और वॉलनट्स। एंड यहाँ पे बस हमारा डिनर भी रेडी हो चुका था, ये है दाल चावल जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई एम डन गाइस, नाउ लेट्स पुट अप द प्लेट्स इन द किचन। और अभी मैं क्योंकि मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ स्लाइस करके ब्लैक सॉल्ट डाल के, फिर मैं डिनर के बाद खाती हूँ। एक्चुअली इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है एंड डाइजेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। यू गाइज ऑल नो, कुछ भी खाने के बाद वॉक बहुत ज़रूरी है, और ये हदीस भी है कि खाने के बाद 40 स्टेप्स आपको हमेशा चलने होते हैं ताकि आपका खाना हजम हो जाए। नाउ आई एम डूइंग 10 मिनट्स स्पेशल, जो कि आपको पता है ऑर्डिनरी AHA BHA, तो ये बहुत मुझे सूट भी करता है, तो लेट्स डू इट। सो आई हैव अप्लाइड ऑन माई फेस, बस इसको जो है 10 मिनट्स रखूँगी मैं एंड देन आई विल वॉश इट एंड फिर मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ। तब तक लेट्स हैव अ ग्रीन टी। दिस इज माय स्किन आफ्टर वॉश एंड दीज आर द रिजल्ट्स। आई विल डू माय स्किन केयर एंड गेट बैक टू यू। ओके गाइस, दिस वाज माय व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल। ऑनेस्टली गाइस, विद योर कमेंट्स विद योर लाइक्स आई गेट सो मोटिवेटेड टू अपलोड व्लॉग्स डेली। बस ब्रशेस की एड आ रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि ये स्कैम तो नहीं है, आइडिया जा रही तो सबको एड जा रही होंगी, तो मैं ये ब्रशेस ऑर्डर करती हूँ और फिर इनका रिव्यू कर देती हूँ ताकि आप सबको आसानी हो जाए, अगर आप सर्च करें तो आपको ये वीडियो मिल जाए एंड आप अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर लें, क्योंकि आप सबको पता है हमारे पास कितना स्कैम होता है, छोटी छोटी चीज़ों बहुत बड़ी एड चला देते हैं लेकिन फिर एड में जो है हमें प्रोडक्ट जो रिसीव होता है वो कुछ भी नहीं होता। बीच में भी कुछ वेबसाइट्स थी आपने देखा होगा, खास करके दराज पे, तो मैंने सोचा कि मैं छोटी सी ये वीडियो बना लेती हूँ। एंड लिटरली आई एम सो थैंकफुल, आप सब ने मेरी मोनेटाइजेशन वीडियो पे कमेंट्स किए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर्सनली भी जाके सबको थैंक यू कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मेरा होता है कि मैं एक स्पीच दूँ कि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक जो है मोनेटाइजेशन तक आ गई हूँ, आगे भी जो जाऊँगी वो आप लोगों की वजह से ही आऊँगी, तो इट्स बिग थैंक यू फ्रॉम मी टू यू गाइज। मैं थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ जाने के लिए गिव अवे भी रखूंगी एंड यू गाइज डिजर्व द गिफ्ट। सो आजकल सर्दियाँ बहुत है तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द अपने बड़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये सर्दियाँ जो है ना बहुत ही ड्राई वाली सर्दियाँ हैं, तो अल्लाह खैर करे कुछ भी हो सकता है, खास करके बच्चों को और बड़ों को कवर करके रखें। तो रहम करेगा सबके घरों पे और हमारे घरों पे भी, और जो जो परेशानियां अलाउंस सब की परेशानियां दूर कर। तो अभी मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।